देखिए, आज एक महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग हुई है जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सभासदों में जिनका नाम शुमार था, वार्ड नंबर 43 के सभासद हैं, मौजूदा वर्तमान सभासद हैं और कई बार सभासद रह चुके हैं, हबीब अहमद साहब। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ आज समाजवादी पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि महत्वपूर्ण लोग, जनप्रतिनिधि आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये बदलाव के संकेत हैं, आने वाले वक्त में रामपुर के अंदर आम आदमी पार्टी और मकबूल होकर उभरेगी। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी का कोई विरोध था? नहीं, कोई अब तो चुनाव के बाद तो किसी तरह का कोई विरोध था नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है हमने भी अपना प्रत्याशी उस वार्ड में लड़ाया था, और उसी में नहीं, अलग अलग वार्डों में हमने अपने सभासद के उम्मीदवार लड़ाए थे, और कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर हमारे प्रत्याशी भी लड़े थे और दूसरे लोग सभासद बने हैं, और बहुत सारे सभासदों ने आज आम आदमी पार्टी का दामन भी थामा है। तो अब बहुत तालमेल के साथ एक परिवार की तरह जो हमारे प्रत्याशी रह चुके हैं और जो मौजूदा सभासद हैं, एक दूसरे से तालमेल के साथ चल रहे हैं, और एक अच्छा संकेत है ये राजनीति के अंदर कि आवाम के फ़ायदे के लिए दो अगर विरोधी हैं और एक प्लेटफॉर्म पर आकर आवाम के फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं, तो ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही होता है। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा परिवार है जो बिल्कुल अपने परिवार की तरह लेकर चलती है। तैयारी तो आने वाले वक्त में बहुत सारी है, लेकिन मेन मसला है कि आवाम को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कैसे डिलीवर की जाएं, और वो मात्र इस देश की राजनीति में अगर कोई पार्टी दिखती है तो आम आदमी पार्टी दिखती है। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, हमने दिल्ली और पंजाब में किया है, यहाँ पर भी लोगों को बहुत उम्मीद है, और हम लोगों को भी बहुत उम्मीद है आवाम से कि आवाम हमें आने वाले वक्त में और बड़ी कुर्सियाँ भी सौंपेगी, और जब बड़ी कुर्सियाँ मिलेंगी तो रामपुर का भी कायापलट होगा, उत्तर प्रदेश में भी बदलाव होगा। आज आम आदमी पार्टी के कई सारे महत्वपूर्ण जो सभासद हैं, पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीते हैं, वो सभासद मौजूद थे, और उसके अलावा जो हबीब साहब ने ज्वाइन किया है उनके समर्थक और वो खुद मौजूद रहे, तो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा धड़ा टूट कर एक मजबूत पैंठ रखने वाले सभासद आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। ये बहुत अच्छे साइन है, और आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द कुछ और महत्वपूर्ण लोग भी आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे।